उज्जैन जिले के नागदा तहसील अंतर्गत उन्हेल नगर से 2 किलोमीटर दूर स्थित महाशक्ति भद्रकाली मंदिर 53वां योगी विजय आनंद महाराज को पंडित हरीश उन्याल ने नमामि नर्मदा संघ मध्य प्रदेश राज्य के प्रदेश अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ के पद पर नियुक्त किया। श्री विजय महाराज ने 36 वर्ष की उम्र में संत के दायित्व में उन्होंने कई पदों पर कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रयागराज श्री लक्ष्मी नारायण हिंदू महासंघ भारत के धर्माचार्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष, योगी अखाड़ा मठ उत्तर प्रदेश धर्माचार्य के प्रदेश अध्यक्ष, गौरक्षा विभाग भारत के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और अनेक पदों पर वह अपना कार्य कर रहे हैं। उनके सरल सहज स्वभाव को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश राज्य के प्रदेश अध्यक्ष संत प्रकोष्ठ के पद पर नियुक्त किया गया। जी, आज मुझे मेरे लिए आज बहुत गर्व का विषय है कि मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पंडित हरीश जी उनियाल उन्होंने आज मुझे एक दायित्व सौंपा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं इस दायित्व को मेरे तन मन धन से इस दायित्व और इस पद का निर्वहन करूँगा, क्योंकि आज जो मुझे दायित्व मिला है नमामि नर्मदा संघ मध्य प्रदेश राज्य का, मुझे मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैं इस पद को मेरी पूरी गरिमा के साथ मैं माँ नर्मदा को स्वच्छ करने में सहयोग और समर्थन प्रदान करूँगा। और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन को भी यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि माँ नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए हमारा सहयोग और समर्थन करें और हमारा भागीदार बने, क्योंकि नर्मदा जल नहीं तो कल नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल अगर नहीं तो कल नहीं है। आज हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रदेश वर्ष में कार्य कर रहा है और अच्छे से कर रहा है, क्योंकि आपका भी दायित्व बनता, संगठन तो कर रहा है पर आप भी माँ नर्मदा को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें और माँ नर्मदा को स्वच्छ रखें, क्योंकि हमारी आज नर्मदा मैया है, गंगा, जमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं सभी नदियों में हमारे पूरे भारत में कार्य चल रहा है, हमारा संगठन कार्य कर रहा है। तो आज मुझे जो दायित्व दिया गया है मध्य प्रदेश संत प्रकोष्ठ का, मुझे मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है नमामि देवी नर्मदा संघ का, तो मैं सुख संदेश यही जनता तक पहुंचाऊंगा कि आप भी माँ नर्मदा का ख्याल रखें, सभी नदियों का ख्याल रखें, क्योंकि गंगा जब स्वच्छ रहेगी तो हम पी सकेंगे, नहा सकेंगे, धो सकेंगे। और जल तो आपको बताया कि जल की अहमियत क्या है, जल नहीं तो कल नहीं। तो मैं, हमारा संगठन अच्छे से कार्य कर रहा है और आगे भी हम अच्छे से कार्य करेंगे। जय हो माँ नमामि देवी नर्मदे। उन्हेल से अनिल कपासिया की रिपोर्ट।